सूरत यूसुफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम र तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अलिफ लाम र ये उस किताब की आयात हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। हमने इसको नाजिल किया है कुरान बनाकर अरबी जबान में ताकि तुम अच्छी तरह समझ सको। एक और दुआ कर लें कि अल्लाह मैं भी चाहती हूं कि मैं अपनी अक्ल और फितरत और सुन्नत की रोशनी में इस कलाम को समझ लूं, तो अल्लाह अरबी जबान को मेरे लिए आसान कर दे। अल्लाह मेरी जिंदगी में इतनी बरकत वक्त में दे दे कि मैं थोड़ा सा क्वालिटी टाइम लगाकर मैं इस किताब को अच्छी तरह से बैठ के समझ लूं। ऐसे हाफ हार्टेड मेजर से नहीं होता। चलते फिरते सुनना भी बहुत अच्छा है, लेकिन निकाल कर कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना सुनना ये भी बड़ी चीज है। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, ए मोहम्मद हम इस कुरान को आपकी तरफ वही करके बेहतरीन पैराए में वाक़यात और हक़ायक़ बयान कर रहे हैं, वरना इससे पहले तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल ही बेखबर थे। नाम है सूरत का सूरह यूसुफ और पूरी सूरत में सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ही का जिक्र है, तो जो उन्वान है वही मजमून है। बड़ा खूबसूरत अहसनुल क़सस कहा गया, बड़ा खूबसूरत किस्सा है। दुनिया में आप देखिए कि आमतौर पर लोगों को ऐसी दास्तानों से दिलचस्पी होती है जिसमें हुस्न और इश्क का तस्करा हो, और जो हुस्न और इश्क के तस्करे वाले अफसाने, ड्रामे या सोप ऑपराज होते हैं अमूमन अखलाक बिगाड़ने वाले होते हैं। बुराई को खुशनुमा बनाकर दिखाया गया होता है। टेम्पटेशन का शिकार हो जाना इंसानी मजबूरी, इंसानी माजूरी बताई जाती है कि टू अर्र इज ह्यूमन, इंसान है तो टेम्प्ट हो ही जाएंगे, जीन्स के अंदर है ही ऐसा। सूरह यूसुफ में भी हुस्न और इश्क की चाशनी हमको महसूस होगी, लेकिन इसमें नेकियों को खुशनुमा बनाकर दिखाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि टेम्पटेशंस के आगे सबर कैसे किया जाता है और ऐन भरपूर जवानी में कैसे किया जाता है। टेम्पटेशंस पर काबू पाना बुड्ढों का काम नहीं है कि खाली बुड्ढे शेर का काम नहीं है। जवान भी कैसे अपने आप को बचाते हैं, बशर्ते कि उनके अंदर तकवा की लगाम पड़ी हुई हो। वह इज़ क़ाल यूसुफ, ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है, 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वो मुझको सजदा कर रहे हैं। इतनी प्यारी बात। हमको इतने फिलियल टाइज भी मिलेंगे इसके अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में भी हमें बहुत मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़िमन में किसी कौम का जिक्र नहीं है, ये बिल्कुल खानदान के लिए है कि खानदान में रहते हुए क्या क्या सूरत हाल पेश आ सकती है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें हम देखेंगे क्या उरूज और जवाल की कहानी, क्या रोलर कोस्टर राइड है उनकी जिंदगी। कभी नफरतों का शिकार हुए तो नुकसान उठाया, कभी मोहब्बतों का शिकार हुए तो नुकसान उठाया, कभी जवाल मिला उस जवाल को भी अपने लिए खैर कैसे बनाया, और जब उरूज मिला तो दुनिया वालों में खैर उन्होंने कैसे बांटा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम। और वो कौन है? करीम, करीम के बेटे, करीम के बेटे, और वो भी करीम के बेटे यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। लिनिश देखें, जिनकी आप खानदान देखें, इससे आला खानदान कोई हो सकता है? ज्यादा एरिस्टोक्रेट, इससे ज्यादा इलीट, इससे ज्यादा मुत्तकी। नबियों की नस्ल, नबियों खुद नबी, नबी के बेटे और नबी के पोते। इसको याद रखिएगा, जो आगे मजमून आएगा इंशाल्लाह समझने में आसानी होगी। तो ये एक नबी जो कि बेटा नबी बनने वाला है अपने बाप से बात कर रहा है। बाज़ दफा जो लोग बहुत नेक हो जाते हैं, बाज़ दफा अपने बच्चों से वो रैपो नहीं कायम करते, टाइम नहीं देते। यहाँ देखें बाप बेटे में कैसी रैपो, कैसी अंडरस्टैंडिंग है। वो शेयर कर रहे हैं अपने ख्वाब आकर अपने बाप के साथ। ये बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है पेरेंट और चिल्ड्रेन की। अपने बच्चों को भी हमें क्लोज करने की जरूरत है कि वो शेयर करें आपसे चीजें आकर। कोई टॉपिक घर में बैन नहीं, टैबू नहीं होना चाहिए। माँ बाप से बात नहीं कर सकते, ये अच्छा साइन नहीं है। तो आके अपना ख्वाब शेयर किया। कौला, बाप ने जवाब दिया, बेटा ये अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना वरना वो तेरे दर पे आजार हो जाएंगे। हकीकत यह है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। देखिए बाप तो अपनी औलाद को जानता है, वो फितरत देख रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी और भाइयों की भी। बच्चे सारे इनके ही थे, लेकिन एक हकीकी खतरे से खबरदार कर दिया। ये गीबत नहीं है नाउजुबिल्ला, किसी के शर से किसी को अगर बचाना हो तो हम उसको बता सकते हैं कि फलां के अंदर ये इशू है, आप उसके साथ मामला कर रहे हैं, आप जरा सा होशियार रहिएगा। वकज़ालिका, और इसी तरह होगा जैसा तूने ख्वाब देखा, तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। हकीकत यह है यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। यह किस्सा यूं शुरू होता है, इज़ क़ालू लियूसुफ़, जबकि उसके भाइयों ने आपस में कहा। अब ये जो आपस के फिलियल टाइज होते हैं ना, आपस में बहन भाइयों का ताल्लुक, उसका थोड़ा सा जिक्र आ रहा है। क्या कहा, ये यूसुफ व अखू, और इसका भाई जिनका नाम बिनयामीन आता है, बेंजामिन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या है ये यूसुफ और इसका भाई, अहब्बु इला अबीना मिन्ना, ये दोनों हमारे वालिद को हमसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम तो पूरा जत्था हैं। अब ये बजाय के सोचते ये भाई कि आखिर क्या रीजन है कि हमारे दोनों ये छोटे भाई हमारे अब्बू को ज्यादा पसंद है। कोई वजह है ना। अगर आप भी माँ हैं, आप सीने पे हाथ रखिए, आपको कोई अपनी औलाद ज्यादा प्यारी कौन सी होती है? तो ज्यादा अमीर, ज्यादा हसीन, ज्यादा जहीन होती है? नहीं। तो ज्यादा फर्मा बर्दार, ज्यादा खिदमत गुजार, ज्यादा नरम मिजाज और ज्यादा तमीजदार बाअदब होती है। वो औलाद बहुत प्यारी लगती है, उसका एक स्पेशल गोशा इंसान के दिल में बन जाता है। लेकिन जेलसी ने इनकी आंखों पर पट्टी बांधी, खूबियां नजर ही ना आई अपने भाई की और ना अपने छोटे भाई की, बल्कि खामियां ही नजर आई। और अंदाज देखें जरा, कह रहे हैं इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन, सच्ची बात तो ये है कि हमारे अब्बा जान तो बिल्कुल ही बहक गए। आई मीन ही इज रियली ही इज गॉन क्रेजी। ये तरीका तो ये कोई आज के पढ़े लिखे बच्चों का तरीका नहीं है, ये बदतमीज बच्चों का तरीका हमेशा से रहा। बाज दफा लोग कहते ना कि आजकल के बच्चे बड़े बदतमीज हो गए। ये मुझे बताएं, आजकल के बच्चे हजारों साल, 4000 साल पहले के बच्चे हैं ये, और कह रहे हैं कि हमारे अब्बा तो बिल्कुल क्रेजी है, बिल्कुल अकल वकल नहीं है उनके अंदर। ऐसे बच्चों से मोहब्बत करेगा कोई जो अपने माँ बाप के बारे में इस तरह बात करते हैं पीठ पीछे? क्या कहा, अब देखें जरा मजीद, कोई मोहब्बत कर सकता है इनसे? कह रहे उक़्तुलू यूसुफ, कत्ल कर दो, चलो चल के यूसुफ को। बाप की मोहब्बत को कह रहे हैं कत्ल कर दो, अपने भाई को कत्ल करने के प्लान बना रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि हमारे अब्बा हमसे प्यार क्यों नहीं करते जितना यूसुफ से करते। तो जेलसी क्या करती है, ऐसी पट्टियां बांधती है आंखों के ऊपर। तो कहा चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या कहीं उसको फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। ईगो इशू है ना, कोई बाप से मोहब्बत नहीं है, बस जेलसी है सिर्फ और कुछ भी नहीं। और क्या कहा, वह तकून में बाद ही कौमन सालिहीन, ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन जाना, बाद में नेक बन जाना। अभी तो तुम्हारी मजबूरी है, माजूरी है, अभी तो करना ही करना है, यू आर फोर्स्ड टू डू इट, उसके बाद तुम भी नेक बन जाना। और टाइटल कितना प्यारा लगाया, टाइटल का कमाल आप देखें, टाइटल भी कमाल की चीज होते हैं। कत्ल करना चाह रहे हैं यूसुफ को हसद की वजह से, और टाइटल क्या लगाया कि अपने अब्बू की तवज्जो हमको चाहिए ना, इसलिए हम अपने अब्बू की आंखों का तारा बनना चाहते हैं। तो अब्बू को नाराज करने वाला काम करके अब्बू की मोहब्बत। बाज लोग इसी तरह अल्लाह को नाराज करने वाले कामों को मजबूरी माजूरी कह के कहते हैं कि अल्लाह बस इसी तरह हमसे राजी हो जाए। तो अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिल सकती है? अल्लाह सबके टाइटल्स को समझता है अच्छी तरह। और कहा बाद में ठीक हो जाना, गुनाह आज और नेकी कल, पोस्टपोन। अब क्या हुआ, क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, तो उनमें से एक बोला ला तक़तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल मत करो, अगर कुछ करना है उसको किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला उसको निकाल कर ले जाए। इस बात पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा। अच्छा, सारी प्लानिंग ब्लैनिंग करके अब ये जनाब गए अपने अब्बू के पास। काला या अबाना, कहा ए हमारे अब्बा, माँ लगा क्या हो गया आपको? ये ब्लेम गेम, एक गिल्ट फीलिंग देनी अपने अब्बू को, इंजर्ड सेंस ऑफ इनोसेंस के साथ गए। ला तमन्ना अला यूसुफ, आप तुम पे भरोसा ही नहीं करते यूसुफ के बारे में, अपनी नीयत में फसाद है ना, इनको पता है कि हम गड़बड़ करने जा रहे हैं, लेकिन अपने अब्बू को प्रेशराइज कर दिया। जैसे बच्चे कहते हैं क्यों नहीं दिला रही मुझको आईपॉड, आप मुझे भरोसा नहीं करती ना, क्यों नहीं मुझको फ्रेंड के यहाँ जाने दे रही, हाँ आप मुझे ट्रस्ट नहीं करती ना। या अम्मा को गिल्ट करवा दो पहली, और पता है कि क्या चक्कर करने का भी इरादा है, सेलफोन से क्या करना है, आईपॉड आईपैड से क्या करना है, क्यों चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, क्या रिसर्च करनी है, हाँ आपको तो ट्रस्ट ही नहीं है। अम्मा शर्मिंदा हो गई फौरन। ये हो जाता है ना, ये चलाकियां देखें जरा बच्चों की, सब आ रही हैं यहाँ पर। और कह रहे बा इन्ना लहू लनासिहून, हम तो उसके बड़े सच्चे खैर ख्वाह हैं। जो सच्चा खैर ख्वाह होता है ना वो मुंह से नहीं बोलता, उसका अमल बताता है। क्या कह रहे हैं, अरसिलहू माना गदा, कल इसको हमारे साथ भेज दीजिए। कुछ चर चुगलेगा, खेल कूद से दिल बहलाएगा। व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम इसकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। बाप ने कहा तुम्हारा इसको ले जाना मुझे शाख गुजरता है, और उसको अंदेशा है कहीं इसको भेड़िया ना फाड़ खाए, जबकि तुम इससे गाफिल हो। कौलू, कहने लगे अगर हमारे होते हुए भेड़िए ने इसको खा लिया, वह नहनो उसबा, ये पहले भी कह चुके हैं, वह नहनो उसबा, ताकत है, जत्था है हमारा, I mean, हम कोई चीज है, वी आर अ पावर टू रेकन विथ। ये गुरूर देखें, कोई अल्लाह का नाम ही नहीं लेते बीच में, नहनो उसबा। और आगे देखिएगा ये नहनो उसबा की जहनियत ने किस जिल्लत तक इनको पहुंचाया। कहा हम तो एक जत्था हैं, और अगर इस तरह हुआ तब तो हम बड़े निकम्मे होंगे। खैर अब्बू ने बात सुन ली। देखिए ये है तकदीर और तदबीर। जानते थे याकूब अलैहिस्सलाम, हम क्या कमेंट्स करते, हम कहते पता नहीं था बेटे कैसे हैं आपके, आपने जाने कैसे दिया, आपने इजाजत कैसे दी। देखिए हम तकदीर का मुकाबला तदबीर से नहीं कर सकते। ये एक और सबक सूरह यूसुफ हमको देगी। तदबीर अपनी जगह, तकदीर अपनी जगह। मेरी सास एक कहावत कहा करती थी कि वालिदैन जो है वो तदबीर के साथी होते हैं, तकदीर के नहीं होते। तो इसलिए कभी वालिदैन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। फैक्ट्स सामने है ना, लेकिन जो होना होता है अल्लाह का काम वो हो के रहता है। अब क्या हुआ, फलम मज़हबू बिह, इसी तरह इसरार करके जब वो उसको ले गए और उन्होंने तय कर लिया था उसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही की कि एक वक्त आएगा जब तू इन लोगों को इनकी ये हरकत जताएगा, और अपने फेल के नताइज से ये बेखबर हैं। अब क्या हुआ, एक्टिंग तो देखें, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, धांधो धाड़े मारते रोते अपने अब्बा के पास आए, सिसकते बिलकते। हमारा क्या ख्याल होता है, हम समझते हैं हर रोने वाला मजलूम। हर रोने वाला मजलूम नहीं होता, और हर मारने वाला जालिम नहीं होता। आप घर गई, आपने देखा आपका छोटा बच्चा बैठ के इतना रो रहा है बिलक बिलक के, और आप जाती पहले बड़े को एक लगा देंगी कि रुलाया छोटे भाई को, हालांकि छोटे भाई ने कॉपी भी फाड़ दी होगी और उसकी पेंसिलें भी खराब कर दी होंगी और सभी कुछ किया होगा। तो ये भी जरा सोच समझ के इंसान देखे, और ये मिजाज शनासी बहुत जरूरी है, कौन वाकई मजलूम है और कौन प्रिटेंड कर रहा है। हम तो जाहिर से धोखा खा जाते हैं। एक हंगामा करते पहुंचे, कालू, कहने लगे या अबाना, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया, इतने में भेड़िया आकर उसको खा गया। अक्लमंद भी ज्यादा नहीं है, वही बात कह दी। और रिवायात में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर कोई झूठा मोटा खून लगा कर ले आए, तो ये तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कुर्ता देखकर कि बड़ा अक्लमंद भेड़िया था कि कुर्ता फाड़े बगैर यूसुफ को खा गया। तो ऐसे ज्यादा जहीन बेचारे नहीं, ऐसे बस ये एमेचर क्रिमिनल्स थे ना, ज्यादा कोई अभी पक्के नहीं थे। और अच्छा फिर तरीका देखें, वमा अंत बेमुमिन, हाँ आप तो हमारी बात का यकीन ही नहीं करेंगे, पहले ही कह दिया। जैसे बच्चों का होता है ना, आप देखा अब आपकी दराज में खुदल रहे बैठे हुए, आपके आने की खबर मिली, झट दराज बंद करके खड़े हो गए, चीजें लटक रही है नीचे, सब नजर आ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं गिलास तोड़ा, कहा क्यों, नजर आ रहा है। ये बिल्कुल तरीका, वमा अंत बिमुमिन, आप नहीं यकीन करेंगे लना, हमारे लिए, वलौ कुन्ना सादिकीन, चाहे हम सच्चे क्यों ना हो। ये माँ बाप को बैक फुट पे डालते हैं बच्चे इस तरह से, तो माँ बाप को भी जरा समझने की जरूरत है। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़ब, और यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए। ये सुनकर उनके अब्बा ने कहा बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए बड़े काम को आसान बना दिया। फसब्रुन जमील, अच्छा मैं सबर करूंगा। ये पढ़ के इंसान कहता है कि नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अपने ऊपर रखें, आपकी लाडली चहीती बेटी है, आपके बेटे बाग में सैर कराने ले गए, सिर्फ झूले पे से गिर गई, खून निकल आया। हम तो 4 बच्चों को सुनाएं, हम सारी दुनिया में फोन करके धाड़ें, पहले सबको बताएं, बुरा भला कहें, जब दिल हल्का ठंडा हो गया, चीख चिंगाड़ लिए, अच्छी तरह रो धो लिए, कहेंगे कि अब सबर कर लिया मैंने। ये सबर थोड़ी होता है, सबर कौन सा होता है, इन दसदमतिल ऊला, जो फौरन सदमा पड़ते ही किया जाए। क्या किरदार, क्या अखलाक। वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून, जो बातें तुम बना रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। यानी अपने बच्चों को एलियनेट नहीं किया, घर से निकाल नहीं दिया, हर हाल में बच्चों से राब्ता। ऐसे बच्चे होंगे बताएं किसी के, हम में से, अल्लाह ना करे किसी के बच्चे हैं जिन्होंने हमारे ही हमारे बच्चे को कत्ल करने का इरादा किया हो। छोटी छोटी बातों पर बच्चों से कता ताल्लुक ही कर लेते हैं। शक्ल ना दिखाना, मेरे सामने मत आना, मुझसे बात मत करना, इस तरह हम बच्चों से कम्युनिकेशन ही नहीं रखते। इतने ऐसी औलाद को भी नहीं छोड़ना, उसकी इस्लाह से भी गाफिल नहीं होना, उससे भी राब्ता कायम रखना है। ये सबक है सूरह यूसुफ हमको सिखा रही है कि बुरी औलाद को कैसे ट्रीट किया जाता है, बुरे बहन भाइयों के साथ किस तरह एहसान के साथ मामला किया जाता है, ये हमें सिखाया जा रहा है। अब उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, वजाअत सय्यारा, उधर एक काफिला आया और उसने अपने सक्के को पानी लाने के लिए भेजा। सक्के ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहाँ तो एक लड़का है। उन लोगों ने उसको माल तिजारत समझकर छुपा लिया, हालांकि जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह को उसकी खबर थी। आखिर उन्होंने उसको थोड़ी सी कीमत पर चंद दिरहमों की एवज बेच डाला। वकानू फीही मिनज़्ज़ाहिदीन, और उसकी कीमत के मामले में कुछ ज्यादा उम्मीदवार न थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक दौर खत्म, नफरतों का, हसद का शिकार बने। अब इससे ज्यादा मुश्किल एक और दौर, जब वो मोहब्बत का शिकार हो गए। हम समझते हैं ना कि लव लव और लव, हर हाल में लव बहुत अच्छा है, जी नहीं। अपनी जगह अगर है तो गुस्सा और नफरत भी काम की चीज है, जगह से हट जाए तो नुकसानदेह है। मोहब्बत अपनी जगह है तो काम की चीज है, मोहब्बत अपनी जगह से हट जाए तो नहायत नुकसानदेह है। आपके शौहर आपसे मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और पड़ोस के बीवी से भी मोहब्बत करने लग गए तो अच्छी बात है कोई, तो ये तो कोई मोहब्बत नहीं। तो लव लव की क्या बातें करते हैं हम, हर जगह लव नहीं चलता, सही जगह सही इंसान से सही तरह से होना चाहिए। अब ये मोहब्बतों के फितने देखें। वक़ाल लदिश्तराहु मिन मिस्र, मिस्र के जिस शख्स ने उसको खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा इसको अच्छी तरह रख, बईद नहीं, ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम इसको बेटा बना लें। देखिए सूरह हूद में हमने पढ़ा था ना कि कुरान की आयत कैसी औह के मत मोहकम है, चंद अल्फाज में बड़े बड़े मजामीन समेट लिए गए। तुम फुस्सिलत, अल्फाज थोड़े, पूरी पिक्चर सामने आ गई। पिक्चर क्या आ रही है, खरीदा किसने होगा, पैसे वाला होगा, तभी गुलाम खरीदा। अच्छा, बीवी से कहा कि इसको तुम अपने घर में रखो, शायद हम बेटा बना लें। क्या पता चला औलाद नहीं है, और अंदाज कुछ आपको ऐसा लगेगा, लगता है कि शायद ये शख्स उम्र में बड़ा है, ये बीवी बड़ी छोटी, बड़ी लाडो हैं जो इनकी हैं, प्यारी सी भी हैं और लाडली भी बहुत हैं, तो इसके हवाले कर दिया कि तुम उसको अपने घर में रखो। सब समेट लिया कुरान ने चंद अल्फाज के अंदर। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फ़िल अर्द, इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उस सरजमीन में कदम जमाने की सूरत निकाली ताकि उसको मामला फहमी की तालीम देने का इंतजाम किया, और इसी तरह उसको मामला फहमी की तालीम देने का इंतजाम किया। अब बताइए, नबी की गोद से निकालकर इस फितने के माहौल में क्यों डाला? क्या परवर्टेड माहौल था मिस्र का जो आज हमको मगरबी दुनिया में मिलता है। जिना और रिबा और फसाद और ये सब चीजें तो हवा में थी उनके यहाँ आम, इंतहाई सोशली परवर्टेड सोसाइटी थी। तो अल्लाह ने नबी की गोद से उठाकर वहां क्यों भेज दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को? दरअसल ये हालात की तब्दीली भी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, तजर्बा आ जाता है, मामला फहमी आ जाती है, बहुत कुछ इंसान सीख जाता है, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाता है, और बहुत कुछ मामला फहमी यानी मामला को निमटना भी आ जाता है। तजर्बे के लिए जरूरी है कि इंसान अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कहीं निकले। वल्लाहु गालिबुन अला अम्री, अल्लाह अपने काम करके रहता है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। अब क्या हुआ, जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा